slice your jugular and just watch. Take him. You will look wonderful mounted in our hall. Hello guys, welcome back to Gamers Night and I am your host Tanai. तो guys, last time हमने जहाँ से stop की थी game वहीं से शुरू करते हैं और हम लोग अब आगे का रास्ता ढूंढेंगे. ये हम लोग एक तहखाने में पहुँचे हैं वो है. और ये मूर्ति के पीछे 100% एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है, लेकिन उसे खोलना कैसे है उसके लिए मुझे अब थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा पजल होती है इसके अंदर. देखो यहाँ पे नहीं, मैप में तो यार अभी तक मुझे कुछ समझ आया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता ऐसा मैप दिया हुआ है. खाने का सड़ा हुआ, खाने का पड़ा हुआ है. चलो अब इधर से निकल, ये भी लॉक. कुछ तो मिल जाए यार. पीछे और एक दरवाजा है शायद, हम उसमें से जाके ट्राई करते हैं. चलो चलो. आग जल रही है और यहाँ से कुछ मिल जाए यार. हम खो गए महल के अंदर, हम खो गए. 100% वो मूर्ति के पीछे ही कोई डोर है. मूर्ति को हटाना होगा वहाँ से तो हमें आगे का रास्ता मिल जाएगा. नहीं, दीवालों में तो कोई रास्ता नहीं है. वो बॉक्स टूटा है? नहीं नहीं टूटेगा, ये बॉक्स भी नहीं टूटेगा. नहीं टूटा यार, गोलियां खाली बर्बाद करने की है. एक तो यूं ही गोलियां ज़्यादा मिलती है नहीं. इधर नहीं, कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी आइटम नहीं है. ये मूर्ति को ही कुछ करने का है. चलो ये रिंग मिली और रास्ता मिल गया. चलो निकलो. चलो आखिरकार कोई नई जगह पे पहुंच गए. अब जाते हैं इसकी बेबी को ढूंढने. कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है. और एक आइटम. Where have they taken Rose? ओह, ये कुछ निकला है फर्श में से. लगता है ये चार जो मूर्तियां निकली है फर्श में से उनके टास्क खत्म करने के. ये आइटम यहाँ पे काम नहीं करती, इस पे ट्राई करते. नहीं यहाँ पे भी काम नहीं करती. मतलब कि गाइस अब यहाँ पे कोई हमें अलग आइटम ढूंढनी होगी इसके लिए, जिससे कि हम आगे का रास्ता और आगे का टास्क ख़त्म कर सके.
किसी के जूते की आवाज़, मुझे लगा कोई आ रहा है। हाँ हाँ एक बड़ा हॉल है जहाँ हम पहले जाते जाते रह गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे दरवाजे हैं, ये लॉक है। अभी कोई और दरवाज़ा ढूंढना होगा। ये दरवाज़ा नहीं, ये भी लो। हाँ ये खुल गया, खुल गया। काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे, पूरी डार्क थीम में गेम बनाई हुई है। चलो ऊपर पे चले। मुझे लग रहा है कि कोई घटना घटने वाली है इसके साथ, घटना या दुर्घटना। अभी तक तो कुछ हुआ है नहीं। चलो चलो जल्दी, ये पुतले को नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है इसके साथ, इसको तोड़ डालते हैं। चलो कुछ तो मिला, क्राफ्टिंग में काम आएगा। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी, और ऐसे में फिर गेम काफी बोरिंग हो जाती है यार। ये नहीं हो रहा ओपन, इसको ओपन करने का रास्ता ढूंढना होगा। शायद तो वो आइस से ही ओपन होगा, लेकिन उसे अलग कैसे करना है। और ये वाइन रूम है शायद, हाँ बॉटल पड़ी हुई है सब। ऐसे नोट्स बहुत आते हैं यार गेम में। यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे भी कुछ इंट्रेक्शन है, कुछ ला के रखना होगा। यहाँ शायद वाइन की बॉटल, कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अब तो बोरिंग लगने लगा है मुझे। कम एक्शन वाली ये हॉरर गेमों में अमुक चीज़ बहुत बोरिंग लगती है यार गाइस। थोड़ा बहुत एक्शन हो, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा, बैटलफील्ड जैसा, तो कुछ मज़ा आ जाती है। ये तो बहुत कम एक्शन आता है, और एक्शन भी आता है तो फिर सामने एनिमी भी इतने पावरफुल होते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। अभी हम लोग ये अब शॉर्ट टाइम में दूसरी गेम शुरू कर देंगे। अभी मेरे पास गॉड ऑफ वॉर भी आ गई है, और स्पाइडरमैन रिमास्टरेड भी आ जाएगी, तो उसे भी चालू कर देंगे। और कुछ वक्त बाद एज ऑफ एम्पायर का भी लाइव करने जा रहा हूँ मैं, और नाइट टाइम में करूँगा। नहीं यार कुछ तो हो जा। मेरी आवाज़ अजू भी ऐसी ही है, वैसे ही मेरी आवाज़ बहुत भारी है, और ऊपर से अभी ये जुकाम की वजह से बहुत ख़राब आवाज़ हो गई है। और जुकाम के साथ गेम खेल के बोलने में वैसे ही मुश्किल आती है। चल तोड़ो। चल भाई इसको खोल डाल। इसको साला, ये दरवाजे सब बहुत लॉक है, इसे खोलने के कैसे कुछ समझ में नहीं आता। जल्दी खुल जा रे बाबा, खुल जा।
घर में रहने वाले लोग भी कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चलता। ना वो चुड़ैला दिख रही है, ना वो लंबी औरत दिख रही है, कोई नहीं। वापस ये रास्ते जाएंगे? कुछ बाहर जाने का भी कोई रास्ता मिल नहीं रहा। दरवाजा तो खुला सही, लेकिन ये हम लोग जहाँ से आए थे फर्स्ट टाइम वो जगह पे लेके आ गया। यहाँ से ही हमें वो तीनों ने पकड़ लिया था। यहाँ से कोई डोर हो तो शायद हम लोग ट्राई कर सकते जाने की, लेकिन नहीं है, यहाँ पे कोई डोर एक्स्ट्रा नहीं है। इधर इधर इधर, बस गोल 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 चक्कर ही काट रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये मेन हॉल है। बोर हो गया यार ये गेम खेलते खेलते। मैं तो गलत गेम चुन ली लगता है मैंने खेलने के लिए। चल भाई, यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए, कोई नया टास्क आया यार। वापस घूम फिर के वहीं आ गए लगता है। यूपी कुछ करने का है यार। मैं भी वो एक आंख वाला पुतला है, उसे ही कुछ करने का है। 100% मुझे ऐसा लगता है। चलो भाई, सामने छुट निकाल लिए। चलो चलो चलो, खुला खुल गया। आ गई आ गई, चुड़ैल आई, चुड़ैल ये शेट। ये मक्खिया बन के इसके शरीर में मक्खिया घुसा दी इसने तो। अब ये परेशान करेगी इसको। चल निकल निकल निकल। चलो, गोलियों का कुछ तो असर होता है कि वो उसके पूरे रूप में आ नहीं सकती अगर हम गोलियां पहले से चलाने लगे तो। अरे तेरी पीछे ही निकली। चल मर जा साले। ये पीछे ही है, हमारे पीछे ही है बिल्कुल। हाँ, शॉटगन से मरेगी ये। ये साली मक्खियाँ बन जाती है तो इसे क्या असर होने वाला है? कोई असर नहीं होगा यार इसे। तोड़ो इसे, तोड़ो तोड़ो, भागो भागो इधर से। गया, अरे यार पाताल में आके गिरा। चलो कुछ देर के लिए उससे पीछा तो छूट गया। वहां तक थोड़ा मैं सोच लूंगा कि उसको खत्म कैसे करना है। चलो इधर कुछ रास्ते हैं, पहले इसको थोड़ा क्राफ्टिंग कर लेते हैं यार। चलो गन निकाल, ये गन अच्छी है। छोटी छोटी सुरंगें बहुत है, इतना बड़ा महल है और अंदर ये छोटी छोटी सुरंगें हैं जिसमें से हमें निकलना है। ओ, वो यहाँ पे ही है। चलो गई वो तो गई। और ये लोगों का बड़ा वाइन रूम है, यहाँ पे ये लोग वाइन का स्टॉक रखते हैं। म्यूजिक की आवाज़ इसमें से आ रही थी।
यहाँ पे हमें लाया गया है तो कोई तो जरूरी आइटम मिलेगी यहाँ से, मिलनी चाहिए। अरे काफी बड़ा रूम है। चलो फिर से एक पजल आ गई है, 100% पजल है ये। इनके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे जब जाके ये कोई गुप्त दरवाजा ओपन होगा। यहाँ पे ही कुछ करने का है, कोई बटन तो दिख नहीं रहा। मैं भी कुछ बता नहीं रहा है कि पीछे कुछ है। इस पे तो कोई असर नहीं हुआ। ओ हाँ, ये झूलता है, मतलब इसको गोली मार के, एंगल से गोली लगा के वो जो पॉट है दूसरे उसके अंदर आग लगानी है, तब जाके आगे कुछ हो सकता है। चलो एक जल गया, दूसरे पे भी सही निशाना लगाना पड़ेगा। ये एंगल बराबर है, जल गया जल गया। और खुला खुला गुप्त दरवाजा खुल गया। ये काफी अंधेरा है यहाँ पे, और ये तो कोई सेल है। हाँ ये किसी तरह की जेल है जो इसके बेसमेंट में बनी हुई है, किले के बेसमेंट में बनी हुई है। और यहाँ पे लगता है कि ये लोग सबको पकड़ पकड़ के लाके एक्सपेरिमेंट करते थे उनके ऊपर, किसी तरह के जादू का एक्सपेरिमेंट और काट कूट के। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट जिन पे किया गया है और वो लोग जो क्रिएचर बन चुके हैं वो यहाँ मौजूद हो सकते हैं, ऐसा है मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है। पता नहीं, अब देखते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, सब नोट्स पड़े हुए हैं एक्सपेरिमेंट के। ये सब दवाई दवाई है। एक दरवाजे में से दूसरे दरवाजे में और टूटा हुआ सब है। वही वही, ये सबके एक्सपेरिमेंट की हुई लाश लटकाई हुई है, और हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है मुझे दूर से, यानी यहाँ पे कुछ है, कुछ तो है। हाँ आवाज़ आने शुरू हो गई, यहाँ पे कोई क्रिचर्स है, यानी मतलब ज़ोंबी ही है। लेकिन ये आवाज़ से लगता है कि वो जो गांव में मिले थे ऐसे ज़ोंबी नहीं लगते, ये कुछ अलग तरह के लगते हैं। अब आवाज़ बढ़ने लगी, यानी मैं नज़दीक हूँ उनसे, काफ़ी नज़दीक, और बस बहुत ही नज़दीक आ चुके। ओह हाँ, दिख गया दिख गया, दिखा भागो मेरे पीछे, ये बिल्कुल नज़दीक में ही है। निकल निकल निकल, अरे ये तो बहुत सब आ गए यार। हाँ लेकिन ये गाँव वाले जो ज़ॉम्बी थे उनसे थोड़े से धीरे है, थोड़ा स्लो मूवमेंट करते ही है। चलो टपका दिए, अभी भी आवाज़ आ रही है, अभी भी है कोई, अभी भी आसपास में ही कोई है। किधर जाऊं, ये तो पाइप बॉम्ब है, पाइप बॉम्ब मिला हमें, एक पाइप बॉम्ब। लगता है यहाँ इसका यूज करने का होगा, खतरनाक ज़ॉम्बी थे यार। आएंगे और आएंगे, आवाजें आ रही है। ओह ये तो काफी बड़ा सेल है, अभी और आवाज़ें आ रही है,
काफी ज़ॉम्बी हो सकते हैं अभी भी। इतना अंधेरा है कि कुछ पता नहीं चलता, कोई बगल में से निकलेगा तो अभी पता नहीं चलेगा मुझे। वो रहा अंधेरे में खड़ा हुआ, हाँ वो ही है, दूसरा भी खड़ा हुआ, अबे तीसरा भी आया, बॉम्ब डाल देता हूँ, देखते क्या होता है। फटा, बॉम्ब फटा, अबे इसको तो कुछ हुआ नहीं यार, साला बॉम्ब फटा फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। अभी आगे देखना है, अभी म्यूजिक हॉररिस्टिक है यानी अभी भी कोई बचा हुआ है। हाँ देखो ये रहा, एक ही गोली में पड़ गया, ये लगता है कि वो पाइप बॉम्ब के शॉक से इधर उछल के गिरा होगा। इसके लिए इससे तो पहले से ही थोड़ा डैमेज हो चुका था, इसीलिए जल्दी ख़त्म हुआ। चलो एक ही पाइप बॉम्ब था हमने यूज़ कर लिया, अब आगे अगर ज़रूर पड़ी इसकी तो हमारे पास अब कोई बॉम्ब नहीं है, सिर्फ गोली और चाकू है। और ये एक सेल में से हम दूसरे सेल में आ गए, सेल के ऊपर सेल है यहाँ पे। तो ये थोड़ा एडवांस लगता है और यहाँ पे भी ज़ॉम्बी मिलने की पूरी संभावना लगती है मुझे। ओ तेरी आई, वो चुड़ैल आई फिर से आई, भागना पड़ेगा। इसको मारने का कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा है यार, पीछे ही है, बिल्कुल हमारे पीछे ही है। और वो जो मेरा पीछे ही बोल रही है बिल्कुल, और मेरी जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं आ गई पीछे, आ गई निकल। चलो फिर से मक्खियों में बदल लिया हमने इसको, भागो इधर से। Where are you going, little one? तोड़ यार जल्दी तो, अबे तेरी, ओ तेरी, अब तो इसके साथ फाइट आ गई। Bullets cannot harm. कोई असर ही नहीं हो रहा गोलियों का तो। ये बाहर ही टूट गई, इससे इसको थोड़ा बहुत असर हो रहा है बाहर के वेदर से, मतलब ये ड्रैकुला टाइप चुड़ैल है। जैसे कि ड्रैकुला को सूरज से प्रॉब्लम होती थी ऐसे ही इसे ठंड हवाओं से प्रॉब्लम है। हाँ इस पर असर हो रहा है, मतलब कि अभी इन चुड़ैलों को ऐसी जगह पर मारना होगा जहाँ पर बर्फीली हवा आती हो। गई, चलो एक को ख़त्म कर दिया हमने, ख़त्म, एक चुड़ैल को हमने ख़त्म कर दिया गाइस, मज़ा आ गया। चलो एक को तो ख़त्म किया फाइनली, और उसके पास से एक आर्टिफैक्ट भी मिला है हमें। इसको तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अब जब इनके साथियों को पता चलेगा तो बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ जाएंगे ये लोग, बुरी तरह से हमको ढूंढने पीछे पड़ेंगे। हम एक नई जगह पे आ गए, अब किसी तरह का किचन है, वाइन की बॉटल है ये, इसका यूज होगा जरूर। ये इन लोगों का बड़ा किचन है जहाँ पे सब लटकाया हुआ है, जानवरों को काट के लटकाए हुए हैं। लगता है महल में फिर से आ गए हम लोग। स्क्रू ड्राइवर कहाँ चला गया, मतलब एक बार यूज किया और अब गायब हो गया, हर बार नया ढूंढना पड़ेगा हमें ऐसे लोग खोलने के लिए। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है,
ये क्या है? ये गन का, हाँ गन का है, इसको गन में इक्विप कर सकते हैं, कर लेंगे हम इसको, असेंबल कर लिया थोड़ा, अच्छा लगता है। चलो अब यहाँ से निकला जाए। खोला यार ये तो, इसको खोल दिया। चलो चलो, ये मूर्ति शायद वो हॉल में जो चार मूर्तियाँ हैं ना उसके अंदर काम लगेगा, लगता तो ऐसा ही है, उसी के अंदर काम लगेगा। ठीक है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो ट्राई करके देख लेंगे। फिलहाल तो यहाँ से निकले, वरना वो दूसरी चुड़ैल आ जाएगी, उन्हें पता तो चल ही जाएगा कि एक को हमने मार डाला है। ये तो लॉक है, गन पाउडर मिला, बस अब यहाँ तो कुछ लगता नहीं है कि मुझे कि कुछ हो। अब इधर ही जाना पड़ेगा फिर से महल के अंदर। चलो वो एक मूर्ति मिली है, उसका यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पे होगा यूज इसका। अभी दिखा नहीं रही है मूर्ति का कुछ। बॉटल से तो यहाँ पे नहीं होगा कुछ, ऊपर चलते ऊपर, नहीं सीधे जाने, चलो सीधे जाते, कंफ्यूजिंग बहुत हो रहा है यार। ये तो वही रूम है यार, अभी तो आके गए थे। अब तो ऊपर ही जाना है, नहीं जा नीचे, कंफ्यूज हो गया मैं, बहुत कंफ्यूज। इसके पास काफी अंधेरा है यार रूम में, इतना अंधेरा रूम के अंदर। कोई कबाट भी नहीं खोल सकते, यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं दिख रहा। निकल जल्दी निकल इधर से, वरना दूसरी चुड़ैल आ जाएगी। यहाँ पे चलो, यहाँ पे रखते बॉटल, रख दी इसने बॉटल। और ये गुप्त दरवाजा खुला दूसरा, यहाँ पे तो बस वाइन के बॉटल्स है और एक पेटी है, इसमें से की मिली, और ये की वो लॉक दरवाजे को जरूर खोलेगी। वो दरवाजा ढूंढना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे ही था वो दरवाजा अंदर, ये रहा।
ये इसकी नहीं है साला। अभी की मिल गई है, दरवाजा नहीं मिल रहा। वो दरवाजा ढूंढना पड़ेगा जिसकी वो की है। कौन सा दरवाजा होगा जिसकी ये की है? गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी लाइक जरूर करें। नया नया ही चैनल है, जैसे जैसे रिदम आती जाएगी वैसे वैसे वीडियो और इम्प्रूव होते जाएंगे। की मिल गई, दरवाजा नहीं मिल रहा कि कौन से दरवाजे पे की को लगाए। Shall I give you the tour? आया साला, कोई आया। ये दूसरी चुड़ैल है। हाँ ये दूसरी चुड़ैल है साला, दूसरी चुड़ैल आ गई। खुलेगा ये दरवाजा? खुल गया बे, खुल गया। चलो वो चुड़ैल या बाहर तो नहीं आएगी, नहीं बाहर बर्फ वाले माहौल में चुड़ैल नहीं आएगी। जरा से रह गया वरना अभी वो मुझे लपेट लेती। ये दरवाजा भी लॉक। कुछ बड़ा आर्टिफैक्ट्स मिला। आवाज़ तो ऐसी आ रही है जैसे कि कोई आ गया पीछे से। ये दरवाजा खुलते खुल गया। वो ऊपर गई, ऊपर गई, बड़ी लेडी सभी ऊपर गई कि जाना इसके पीछे। चलो यार जाते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ काम का मिल जाए। चलो ऊपर चलते हैं और उसके साथ दो दो हाथ कर लेते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि मुकाबला होगा उसके साथ। वो जो लेडी है बड़ी लंबी, उसके साथ यहाँ पे लड़ाई जरूर होगी ऐसा तो लग ही रहा है, लेकिन ये वन साइड लड़ाई होगी। देखते ओ तेरी, ये भड़क गई। उसे पता चल गया कि उसके लड़की के साथ कुछ हुआ, उसकी आवाज आ रही है। अगर मुकाबला हो गया तो बहुत पड़ेगी इसे, मार डालेगी इसको। अरे बाप रे, जोर जोर से आवाज आ रही है, बहुत भड़की हुई है। चलो जाते हैं उसके सामने और उसको थोड़ा और भड़काते हैं। ओ खून का तालाब, छोटा सा छोटा हौज है जो खून से भरा हुआ है, और उसे इन पुतलों को हिला के ठीक करना है। हाँ इन पुतलों को हिलाया गया तो वहाँ से रास्ता निकल आएगा, लगता तो ऐसा ही है। चल इसको भी फिरा देते। अच्छा अब उसको भी फिराते, सबको गोल एक एक राउंड घुमाना है। अच्छा अजय एक बाकी है। बस बराबर है, अब इसको घुमाते हैं।
और ये खाली होने लगा। हमें यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। अब मिल गया, दरवाज़ा भी खुल चुका है बेसमेंट में, और अंडर बेसमेंट। काफ़ी अंधेरा रास्ता है। कूद पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। देखी जाएगी जो होगा वो सामने। अब ये साला पूरा खून का तालाब पार करना है। बकरे को ले लेते, चलो ये बकरा आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर डाइव लगा के चलने लगते हैं। ये टेंशन में है इथन साला। अभी ये खून के अंदर डाइव मारनी पड़ेगी, और इसके अंदर कोई भी क्रिचर हो सकते हैं। एक तो वैसे ही लाशें लटकी हुई है और यहाँ पे फटी है। अब म्यूजिक भी खतरनाक हो गया है, हॉरर वाला। यहाँ पे हो गई 100% हो गए छुपे हुए शैतान। हाँ, आवाज आ गया, आया कोई कूद के, कोई तो गया कूद के। साले ने धक्का बढ़ा दिए मेरे। खून के अंदर ही छुपा होगा। चलो एक पेटी मिली और कुछ कॉइन मिले। जाऊँ आगे, वो आया, कुछ तो आया। बुलबुले उठ रहे हैं। निकला साला, निकला, ये तो वही है, ढीले डाले ज़ॉम्बी है ये। चलो इनसे तो निपट लेंगे। लेकिन साले अचानक से खड़े हो गए साइड में से, बाजू में से, तो पता नहीं चलेगा। आया आया, वो आया। आजा 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 सामने, बराबर। अच्छा, फिनिश। अभी भी है कोई, अभी भी कोई छुपा हुआ है। अबे तेरी तो, मैंने यही बोल रहा था साले, अचानक से निकल आते कहीं से भी। चलो अब आगे। अभी भी होंगे, अभी भी आवाज़ आ रही है मुझे पानी की। हाँ, अभी भी है। अबे तेरी तो, देखा बगल में आ गया, पता भी नहीं चलता। ये बहुत धीरे से आते हैं, और वो जो हमें गांव में मिले थे जो ज़ॉम्बी, वो तो पहले से ही ऐलान कर देते कि हम आ रहे हैं। ये सब चौंका देते अचानक से निकल के। बस अब तो रात भी बहुत हो गई है मेरे यहाँ पे भी। अभी इतना थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसको यहाँ पे एंड करेंगे। बस एक बार ये खून का तालाब में से बाहर निकल जाए, मर जाते गुलिया लेके मरेगा। हाँ, यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं। बस पहुँचने आए, ये रास्ता ख़त्म होना है। और लास्ट में कोई मिलेगा। अभी सामने आया, मुझे लगा कि पानी में पीछे से आ रहा है, तो साले सामने से आए। यहाँ से निकले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल लेते यहाँ से, और कोई ज़ॉम्बी आ जाए।
ओके गाइस, हम आखिरकार बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस।